हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो दोस्तों काफ़ी इसमें हो गया है, हमें स्प्रे नहीं की थी अपने बगीचे में क्योंकि अभी गर्मी का मौसम इतना है, क्योंकि इस वजह से लोगों ने स्प्रे भी नहीं की और मैंने भी अपने बगीचे में स्प्रे नहीं की थी। तो अब मैं अभी थर्ड स्प्रे करने वाला हूँ इस साल की। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि हम अपने बगीचे में कौन सी स्प्रे करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ अपने घर के पास हूँ, मैंने यहाँ पर पानी भर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम थर्ड स्प्रे कौन सी करने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हम आज करने वाले हैं एंट्राकोल की स्प्रे, जो फंगीसाइड है। तो थर्ड स्प्रे हम इसकी आज करने वाले हैं। तो अभी इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगा एक बाल्टी में, ये हमारी यहाँ पर बाल्टी है, तो इसके अंदर मैं पानी लूँगा, साफ़ पानी। तो हम इसमें इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको ड्रम में मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं अभी इस बाल्टी में डाल देता हूँ और उसको मिक्सअप करता हूँ, उसके बाद डालता हूँ मैं इसको ड्रम में। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी हमने इसमें जो हमारी एंट्राकोल की जो दवाइयाँ थी वो हमने इसमें मिक्स कर दी है। तो इसके बाद अब मैं इसको डालता हूँ अपने ड्रम में। ये इस तरह से हम इसको मिलाएंगे, लगभग 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये प्रॉपरली मिक्सअप हो जाए। तो अभी हमने इसके अंदर जो पानी डाला है लगभग 180 लीटर, तो 180 लीटर में हमने इसमें जो एंट्राकोल की दवाइयाँ मिलाई है तो वो लगभग हमने 500 ग्राम। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा 500 ग्राम का जो पैकेट है, तो ये देखिए आप एंट्राकोल जो कि 500 ग्राम का है, तो इसको हमने डाला है। तो वैसे तो इसको आप 200 लीटर में 600 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 500 ग्राम ही डालने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे जो ऑर्चर्ड में, जो अभी हमारे बगीचे में जो सेब का साइज़ है वो कितना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये इतना साइज़ इम्प्रूव हुआ है अभी अभी, तो अभी तक इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। पत्ते भी हमारे अभी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हैं इस साल, तो आप देख सकते हैं। तो इसी में ही हम स्प्रे करने वाले हैं। तो इतना इम्प्रूव हो चुका है हमारा एप्पल, बाकी फसल तो बहुत ही कम है, लास्ट ईयर से 50% भी नहीं होगा, तो ये देख सकते हैं। तो इसी में ही हम अभी स्प्रे करने वाले हैं। तो अभी हम आपको स्प्रे करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर ड्रम जो हमने मिक्स किया है वो अभी हमने इसमें दवाई मिला दी है। ये हमारी मशीन जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, छोटी सी मशीन, और ये हमारी पाइप। तो अभी हम यहाँ पर पाइप खोल के इसको बिछा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली साइड में स्प्रे करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ, और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम अपना काम कर लेते हैं। एक बार हम फिर से दवाई को फिर से एक बार ठीक से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी स्प्रे शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर इसमें आपने देखा होगा कि हमने दवाइयाँ मिक्स कर दी है और अब इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हम हमने अपनी स्प्रे शुरू कर लेनी है। ये हमारी मशीन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पीड है, तो हम इसको जैसे ही यहाँ इस तरह से करेंगे तो इसकी स्पीड अभी बढ़ जाएगी और उसके बाद हम स्प्रे करेंगे। दोस्तों चलो फटाफट से हम अभी यहाँ पर स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलेंगे स्प्रे करने के बाद।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम किस तरह से स्प्रे कर रहे हैं अपने बगीचे में। ये हमारी स्प्रे चल रही है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी हमारी इस साइड में स्प्रे हो चुकी है, तो अभी हमारे को इस साइड में नीचे की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ भी स्प्रे करनी है। और एक ड्रम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है स्प्रे करके, तो इसके बाद हमने अभी और पानी भरा हुआ है और उसमें हमने दवाइयाँ मिलानी है, तो उसके बाद हम और फिर से स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज के दिन का एक छोटा सा वीडियो तो होपफुली आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।